इतना पानी लगा लगा तो क्यों नहीं खाना पीना मिला ही नहीं ना इतना मिला ले इतना निपाना पता नहीं मिल गया आप इन लोगों को बचाव के लिए भी किया जा रहा है उसका बात ये है विदेश के हमारे यहाँ आता है इंडिया का लोग हैं इनका काम चल रहा है जी हम लोग आप लोगों के साथ हैं आप लोग बस के साथ हैं और जहाँ जहाँ भी कटने की संभावना है कुछ डैमेज हुआ है धारा के परिवर्तन होने के कारण उन जगहों पर मरम्मती कार्य अविलंब किया जाएगा। रात्रि में भी कुछ कार्य हुआ है अभी लगातार होगा कैंप करके काम होगा अभी होगा जो प्रावधान उस प्रावधान के तहत होगा किसी को असुविधा नहीं होने दी जाएगी और किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी दोषी होंगे ठीक से समुचित ढंग से समय पर काम नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। गंडक नदी हो या कोसी हर साल करोड़ों की फंड रिलीज होता है लेकिन फिर भी गांव डूब जाता है ये बड़ा सवाल है। नमस्कार मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। हम आपको सीधा लिए चलते हैं बेतिया जहां से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। जी हां बेतिया में गंडक नदी में 7 करोड़ की लागत से नदी का कटाव को रोकने के लिए एक बांध बनाया जा रहा था लेकिन उस समय जब ये बांध बन रहा था तो आसपास के जो गांव वाले थे उनके चेहरों पर एक खुशी थी एक संतुष्टि का भावना देखने को मिल रहा था कि इस बार के मानसून में वो अपना घर से बेघर नहीं होंगे उनकी घर उनके आंखों के सामने गंडक में नहीं समाएगी। लेकिन बिहार में अभी मानसून का दस्तक तक नहीं आई कोसी हो या गंडक की लहर अभी उफान भी नहीं भरी थी उनके माथे पर सिकंज आने लगा गांव वाले फिर से डरने लगे कि उन्हें इस बार भी डूबने को मिलेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि जो 7 करोड़ की लागत से बनी हुई गंडक नदी की तेज बहाव को रोकने के लिए जो बांध बनाया गया था वो बांध पहली ही पानी आने से पहले ध्वस्त हो गई जिसके बाद आनंद फानंद में ग्रामीण वहां के स्थानीय सरकार के पास पहुंचे आला अधिकारी के पास पहुंचे और गुहार लगाए कि उन्हें इस बार डूबने से बचा लीजिए। ये सुनते ही जो आला अधिकारी थे वो आनंद फानंद में नदी की ओर दौड़े जहां पर उनको ग्रामीणों के साथ तीखी बहस का सामना करना पड़ा। पहले आप वीडियो देखिए इतना पानी लगा लगा तो क्यों नहीं खाना पीना मिला ही ना इतना मिला ले इतना निपाना पता नहीं मिलेगा। आप ही लोगों को बचाव के लिए भी किया जा रहा है मरम्मत भी क्यों किया जा रहा है इसीलिए किया जा रहा है कि आप लोग सुरक्षित रहिए। हम लोग क्यों आए पहले भी आए थे ना जी इतना आए थे देखने के लिए बिना पहले हमारे यहाँ आता है इंजीनियर का लोग हैं जिनका काम चल रहा है जी जी हम लोग आप लोगों के साथ हैं आप लोगों के दर्द के साथ हैं हम लोग इसीलिए आते हैं चलते हैं पता चला रात में हम आए ना सुबह हम लोग रात में ही हम लोग आ रहे थे लेकिन हुआ कि रात में पता नहीं चल पाए क्या डैमेज है क्या नहीं आपकी बात को नहीं सुन पाएंगे तो बाकी तो ठीक ही है उधर तो स्कूल साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन हमने की डर लगते कि है ना पहुंचने लगते हैं प्राप्त सूचना के हम लोग आलोक में हैं पहले भी निरीक्षण किया गया है आप भी देखे हुए हैं अभी यहाँ पर सारे लोग हैं चीफ इंजीनियर साहब हैं आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं सहायक तमाम अभियंताओं की टीम है यहाँ पर और जहाँ जहाँ भी कटने की संभावना है कुछ डैमेज हुआ है धारा के परिवर्तन होने के कारण तो उन जगहों पर मरम्मती का कार्य अविलंब किया जाएगा। रात्रि में भी कुछ कार्य हुआ है अभी लगातार होगा कैंप करके काम होगा यहाँ पर किसी को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जी सर ये मरम्मत जो होगा सर ये एंटी रोजन में जो ठेकेदार करवाए थे उनके मतलब माध्यम से या फ्लड फाइटिंग के विभाग करवाए नहीं नहीं अभी जो योजना चल रही है उसी में होगा जी योजना जो चल रही है उसी में तीन योजना के तहत इसका निर्माण कार्य कराया गया है उसी योजना के तहत होगा फ्लड फाइटिंग जो होता है नहीं सब में होगा समझ गए ना उसमें भी होगा जी अभी होगा जो प्रावधान उस प्रावधान के तहत होगा किसी को असुविधा नहीं होने दी जाएगी और किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है कोई आशंका की बात नहीं है ठीक है ना। प्रशासन पूरी तरह से सजग है लगातार अनुमंडल पदाधिकारी बघा के द्वारा स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा वीडियो सीओ के द्वारा कैंप किए जा रहे हैं हम लोग भी इस पर निगरानी रखे हुए हैं एकदम नजर बनाए हुए हैं और जो भी दोषी होंगे ठीक से समुचित ढंग से समय पर काम नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी और आगे के लिए भी सजग रहने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। जी हाँ सुना आपने कि किस तरीके से अब जो आला अधिकारी हैं वो ग्रामीणों को समझा रहे हैं उन्हें कह रहे हैं कि पूरी सरकार आपके साथ है और एक बार फिर इसका निर्माण होगा। तो निर्माण क्यों नहीं होगा आला अधिकारी जी क्योंकि आपको तो वो हरे हरे नोट दिख रहे हैं ना क्योंकि एक बार फिर इसके नाम से फंड आएगा और एक बार फिर आपको
मोटा कमीशन जाएगा, क्योंकि आपको तो कमीशन चाहिए। अगर आपको कमीशन नहीं चाहिए था तो आप समय रहते हुए इसका जांच करने क्यों नहीं पहुंचे, क्यों आप दफ्तर में बैठे रह गए जो इतना बड़ा घोटाला निकल कर फिर से सामने आ गया। आपको इन ग्रामीणों का दर्द क्यों नहीं दिखा जो ग्रामीण हर साल अपने आँखों के सामने अपने घर को डूबते हुए देखते हैं और सड़क पर रहकर चिवड़ा मिठ्ठा खाने को मजबूर हो जाते हैं और मजबूर रहते हैं आपकी बनाई हुई सिस्टम से, क्योंकि इस सिस्टम को लत लग गई है, इस सिस्टम को आदत पड़ गया है कमीशन का, और उसी सिस्टम का हिस्सा तो आप भी है ना। छोड़े जाते हैं हम आपको यही बड़े सवाल के साथ कि अगर एक बार फिर इसका निर्माण हुआ तो क्या ये नहीं टूटेगा, क्या क्या जो ग्रामीण है वो सड़क पर बैठकर चिवड़ा मीठा खाने को इस बार मजबूर नहीं होंगे क्या। फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।